नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दंगल। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। आज से ठीक 5 साल पहले यूपी के कराना में जो कुछ भी हुआ था वो शायद आप ही शायद ही भूल पाए हो। आरोप है कि ठीक वैसी ही साजिश दिल्ली में 150 किलोमीटर दूर रची जा रही है। इसे कैराना पार्ट 2 कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में टप्पल थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव में हिंदू परिवारों के पलायन की खबर आ रही है। पीड़ित परिवारों ने पलायन की बात कही और अपने घरों पर यह मकान बिकाऊ है ये लिख दिया है। आरोप है कि नूरपुर गांव में लगातार 4 हिंदू लड़कियों की बारात को रोके जाने और उनके साथ मारपीट करने से परेशान गांव के हिंदू परिवारों ने पलायन का मन बना लिया है। जबकि मुस्लिम पक्ष के लोगों का यह कहना है कि नमाज के वक्त डीजे बजाने से रोकने पर हिंदुओं ने झगड़ा किया। पीड़ित हिंदुओं का आरोप है कि पुलिस प्रशासन के सामने उन्होंने अपना दर्द बयां किया और इसकी बकायदा लिखित शिकायत भी दी। बावजूद इसके अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और इसी वजह से उन्होंने अब नूरपुर गांव छोड़ने का मन बना लिया है। तो अब इसको लेकर के सियासी बहस भी शुरू हो गई है कि क्या यह कैराना पार्ट 2 है? आखिर हिंदू परिवार वहां से पलायन करने को क्यों मजबूर है? यह देखिए तस्वीरें, अलीगढ़ के नूरपुर गांव की तस्वीरें जहां पर हिंदू परिवारों ने अपने घर के बाहर लिख डाला है यह मकान बिकाऊ है। आपको याद होगा से ठीक 5 साल पहले 2016 में कैराना से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी जब वहां पर हिंदू परिवारों ने अपने घर के बाहर लिख दिया था कि यह मकान बिका हुआ है। हालांकि देखिए, जब यह सोशल मीडिया पर खबर वायरल हुई और उसके बाद जब प्रशासन यहां पर पहुंचा तो सारे जितनी जगह पर लिखा हुआ था यह घर बिका हुआ है, यह मकान बिका हुआ है, उन सब पर पेंट कर दिया गया। पूरा मामला क्या है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि गांव में बारात निकालने को लेकर झगड़ा हुआ। मुस्लिम पक्षों का कहना है कि यहां पर बारात निकालने को लेकर विवाद हुआ और इसको इतना बड़ा तूल दे दिया गया, जबकि हिंदू पक्ष का यह कहना है कि यहां पर पहले से भी इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, इसकी शिकायत हमने पुलिस प्रशासन तक भी दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहां पर दहशत में, डर में वो यहां पर जीने को मजबूर है। नूरपुर गांव में तकरीबन 125 हिंदू दलित परिवार रहते हैं और यहां पर अक्सर झगड़े होते रहते हैं। सबसे बड़ा जो आरोप है कि 4 हिंदू बेटियों की शादी अभी रखी गई थी, बारात को लेकर के वहां पर झगड़ा हुआ, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहां पर मस्जिद है, मस्जिद के सामने डीजे बजाने को रोकने को लेकर के हमने उनसे कहा तो इस बात से वो नाराज हो गए और उसके बाद यह विवाद बढ़ता गया। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी रमन इस वक्त सीधे अलीगढ़ के नूरपुर गांव से जुड़ रहे हैं। रमन, क्या है वहां की हकीकत, जरा बताएं। बिल्कुल प्रत्युष, मैं इस वक्त अलीगढ़ के नूरपुर गांव में हूं और ये जो घर आप मेरे सामने देख सकते हैं, घर पे पेंट किया गया है। यहाँ शादी थी और शादी के बाद जब वो अपनी बारात लेकर आ रहे थे तो इनका आरोप है कि जो दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने उनके साथ मारपीट की और इनका ये भी कहना है कि ये सिर्फ एक बार की बात ऐसा नहीं है, पिछली बार से कई बार ऐसा ही होता है कि जब भी कोई बारात आती है तो इस तरह से हंगामा किया जाता है, मारपीट की जाती है। तो ये आरोप लगातार ये यहाँ पर लगा रहे हैं और लगभग हर गांव के हर घर पे जो कि यहाँ पे अल्पसंख्यक समुदाय है या फिर आप ये कह सकते हैं जो हिंदू अल्पसंख्यक इस गांव में है, उन्होंने अपने घर में इस तरह से लिख दिया था कि हम यहाँ पर मकान बेचना चाहते हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचा है और उसने नीले रंग से ये हर दीवार को पेंट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर लोगों की परेशानी है और उनका कहना है कि ये परेशानी वो कई बार कई दिनों से झेल रहे हैं, कई सालों से झेल रहे हैं और बात होती है उनके जो दूसरे समुदाय के सम्राट लोग हैं उनसे भरोसा दिलवाने की बात की जाती है, लेकिन फिर ढाक के 3 पात वही हालात फिर से सामने आ जाते हैं। मेरे साथ ये बाबा हैं जिनकी बारात में पूरा का पूरा झगड़ा होता है। क्या नाम है सर आपका? ओम प्रकाश सर। ओम प्रकाश जी, उनका कहना है कि मस्जिद के सामने हल्ला हो रहा था इसलिए मारपीट हुई। नहीं सर, उससे मस्जिद से 10 कदम पहले ही बारात को रोक लिया था और उन्होंने एक साथ कहे बारात को रोको, समरा ढेड़ा यहाँ से बारात ले जाओ निकाल के यहाँ से। हमने पहले नहीं आपसे मना किया, क्यों ले जा रहे हो यहाँ से? इतना कहने पे हम बोले, उनके हाथ भी जोड़े हमने, पैर भी पूछने के, मैं बोला हमारी कोई बात नहीं, हम बंद करा देंगे इसको, आप हमको निकल जाने दो। तो दिन में 12,000 दिन में बारात थी, 3:30 बजे के टाइम था उस समय और उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। उन्होंने मस्जिद थी, मस्जिद में रखे थे लाठी डंडे, सरिया रोड वगैरह और एक मकान और था उसमें उस्मान दूधिया का, उसमें से उन्होंने निकाल करके एक साथ से हम अटैक किया है। आपके पाँव में भी चोट लगे? मेरे पैर में भी चोट लगी है, ये पैर बुरी तरह से जख्मी, गुम चोट आई हुई है, इसमें फ्रैक्चर भी हो सकता है। मेरे को अभी टाइम नहीं मिला जो मैं दिखा सकूँ इसको। तो दिन में तो मंदिर मस्जिद के सामने से बारात निकलती है, इसमें परेशानी क्या बात है? कोई परेशानी नहीं, उनको बनाना था ये झगड़ा कि हम आपको आपकी बारात यहाँ से चढ़ने देंगे, चमार हमारे यहाँ से बारात ले जा नहीं सकते।
जाटो समुदाय से आप लोग? हाँ जी, हम मैं जाटो समुदाय से लोग। तो जय भीम जय भीम के तो नारे लगते हैं यहाँ पूरे इसमें की। सर हमारे साथ नहीं रह पा रहे हैं यहाँ, हमारे लोग बहुत कम है और ये हमको दबाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि आप मुसलमान बन जाओ, आपको बरात चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे डीजे वगैरह कुछ चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो एक और प्रत्युष, एक और व्यक्ति है, एक इनकी बारत है, दूसरा एक और उदाहरण मैं आपको यहाँ पर देना चाहूंगा। क्या नाम है भाई आपको? मेरा नाम जीतू है। जीतू, आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ जी, मैं डीजे की, जो डीजे था मैं उसकी गाड़ी में बैठा था, क्योंकि मैं रास्ता बताने के लिए ले जा रहा था। उन्होंने, जो उनके मैन मुखिया थे वो काजी का कलुआ, उन्होंने ये पूछा गया कि ये डीजे बंद कर दे। मैंने उनसे ये पूछा था कि क्यों, उनके क्यों कहने पे ही उन्होंने आके उनके लाठी डंडे मस्जिद से और उससे घरों से निकाल कर गाड़ी के शीशे वीशे तोड़े, बारात में लठ बजाना शुरू कर दिया। जो तार हमारे तरफ के उनके लठवट लगे, इसीलिए मैंने उनको यही समझाने की कोशिश करी, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं माना, गाड़ी आड़ी के शीशे तोड़ दिए। तो क्या पुलिस के पास गए आप लोग? हाँ जी, पुलिस के पास भी गए थे हम, हमारी उन्होंने कोई एक नहीं सुनी। उन्होंने जब एक भी नहीं सुनी, हमें कुछ चार दिन हो गए, चार दिन बाद हम बोला भाई ऐसे प्रशासन नहीं उठेगा, तो हमें मजबूरन हमको अपनी अपनी दीवारों पर हमें ये लिखना पड़ा कि हम ये गाँव छोड़ रहे हैं। जब छोड़ने के बाद जब हमने लिख दिया तो पुलिस ने भी हम हरकत में आई और उसने एक साथ में हमसे पूछा भाई क्यों लिखा है, कैसे लिखा? तो वो बोले कि इसको मिटवा दो। मैं बोला हम नहीं मिटवाएंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं मिटवा सकते। अगर हमको न्याय नहीं मिला तो हम घर भी छोड़ सकते हैं यहाँ से। बिल्कुल, ये प्रत्युष आप देख सकते हैं सारे गांव के लोग यहाँ पर जमा हो गए हैं, अपनी बात रखने के लिए जमा हो गए हैं इसमें, और ये कह रहे हैं कि ये एक दिन की बात नहीं है, ऐसी परेशानी है पिछले कई। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मपाल है जी। सर धर्मपाल जी, कब से इस तरह की समस्याएं हो रही? समस्या है नहीं जी, 10-15 साल से एक बारात को मौका ना है सर, मतलब कब से, कम से कम 4-5 बारात पहले पीट चुके और अब 4-5 बारात तो अब फिलहाल पिट चुकी हैं जी। और मतलब ये हमको, मतलब ये दबाव डालें और ये परेशान करें जी। अब हम तो मजबूरन है कि अब रास्ता में, परसों की बात है, एक गफ्फार नाम का, मोहम्मद नाम का, उसने नौकरी के लिए, तुम ज़्यादा जिद कर रहे हो तो हमारे रास्ता में लेकर के देखियो, रास्ता ने भी रोक रहे हैं साहब, अब क्या करें, मजबूर है कि फिर हमें ये लिखना पड़ा और हम काम छोड़ना, लिखना रहे, हम काम छोड़ने को भी तैयार हैं जब ऐसी बात आई। जरा पूछिए, जरा रमन इनसे पूछिए कि वहाँ पर जो लिखा हुआ था कि यहाँ मकान लिखा हुआ है उस पर पेंट किसने किया? जैसे हम ना करें तो हमें अचानक जब जंगल में जाएं तो हम 8-7 साल पहले एक व्यक्ति को, हमारे हमारे समुदाय के को अचानक चक्कू मारो, बरसम काटते हुए चक्कू मारा उसने। तो ये बताइए, ये जो आप लोगों ने दीवार पे लिख दिया था कि ये मकान बिका हुआ है, फिर ये पेंट किसने किया है अभी? यहाँ पेंट सर, मतलब हम तो, हमने ये कह दिया कि हमारे कानून, मतलब हम आप मिटा देंगे सर, हमारे मतलब वो ये करो, तो उन्होंने, मतलब उन्होंने प्रशासन ने कह, नहीं हम मिटा दो, हम तुम्हारे संग, पुलिस प्रशासन ने आके यहाँ पे पेंट कर दिया अभी। हाँ जी, पुलिस प्रशासन ही, मतलब आप मिटा रहे कि नौकर है किसी के? नो, हम नौकर हैं, हम खुद मिटा देंगे, जब हम जानो चाहेंगे तो मिटा दो, हम तो फिर भी लिख देंगे, जब जानो चाहेंगे तो जाएंगे ही जी यहाँ से। मतलब इसको लिखने से क्या होता है, आप इतने परेशान हैं कि आपको लग रहा है कि आप छोड़ कर चले जाएंगे अपना गाँव? हाँ, जब नासल पे, जब प्रशासन, अब सांस से सुनवाई गई है जी, FIR दर्ज है गई है, अब उनके ऊपर जो कार्रवाई होगी प्रशासन में संतुष्ट करेगा तो हम उनके संग, हम वो हमदर्दी दिखाएंगे। तो चले रमन, रमन बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा से। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं दस का दंगल में इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। कपिल श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी के नेता, राहुल लाल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर विशाल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट और सुप्रिया सत्यम पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैं कपिल श्रीवास्तव जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। ये अलीगढ़ का नूरपुर का मसला आप देख रहे हैं और वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है और वहां पर जो लोग हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं वो भी आपने सुना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये कैराना पार्ट टू हो रहा है क्या? देखिए, ये कैराना पार्ट टू नहीं है, ये आजादी से पहले से जो बंटवारे की नीति तमाम लोगों ने रखी थी, जो नींव रखी थी उसी पे ये मकान और महल बन रहे। प्रत्युत भाई, ये पहली घटना नहीं और ना ये 10-15 साल से, क्योंकि उनके गांव के अंदर जो बात आई है अभी वो 15 साल से कह रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये आज से नहीं, बहुत पहले से है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के अंदर विश्वास पैदा नहीं होने देना चाहते। वो नहीं चाहते हैं कि भारत समृद्धि हो, वो नहीं चाहते हैं कि भारत आगे बढ़े, क्योंकि जब शांति कायम होगा उसी में विकास होगा। तो क्या कपिल जी आप ये कहना चाहते हैं कि नूरपुर गांव के ये जितने भी परिवार हैं हिंदू परिवार, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट के तौर पर वहां पर काम कर रहे हैं, सारी चीजें जानबूझ के उनसे कहवाई जा रही हैं, सारी घटनाएं झूठी हैं, बारात को लेकर कहीं कोई झगड़ा, कोई विवाद या फसाद नहीं हुआ? बहुत सीधी सी बात है,
विश्वास पैदा करना किसी लोकप्रिय सरकार का दायित्व है। और अगर दो लोगों के बीच में सरकार विश्वास नहीं पैदा कर पा रही है और खुद पेंट पॉलिश करने पर आमादा हो गई है, ठीक है, चलिए मैं आपके इस पॉइंट से, चलिए मैं आपके इस पॉइंट से सहमत होता हूं कि भाई अगर दो गुटों के बीच में झगड़ा हो रहा है या विवाद हो रहा है तो फिर वहां पर, तो ये बताइए फिर 2016 में जो कैराना में हुआ था उस वक्त फिर किस सरकार की जिम्मेदारी थी, फिर वहां दायित्व, ये आपसी सद्भाव, ये सब बातें कहां हवा हो गई? पार्टी की नहीं होती प्रत्युष भाई, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती है, क्योंकि उसके क्रियान्वयन करने की जो मशीनरी होती है वो तो प्रशासन ही होती है। बहुत सीधी सी बात है कि अगर कहीं कोई बवाल होने का डर है तो 116 के अंदर आप शांति भंग का मुकदमा करके आप उनसे बॉन्ड भरा सकते हैं, आप 151 में चालान कर सकते हैं। अगर प्रशासन, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये पुलिस प्रशासन की नाकामी है, इस वजह से ये विवाद बढ़ रहा है। सुप्रिया सत्यम, अब देखिए दो बातें यहाँ पर कपिल श्रीवास्तव जी ने कही। इनका कहना है कि एक तो जानबूझकर के इस विवाद को जन्म दिया जा रहा है, इन्होंने इसकी तुलना हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे से भी कर दी। अब ये कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी सरकार की, पुलिस प्रशासन की है कि कार्रवाई कीजिए ना, किसकी हिम्मत है कि वहां पर कोई कुछ कर ले? देखिए प्रत्युष, यही कहना चाहूंगी कि देखिए हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, सबका यहाँ समान रूप से रहने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह से ये मामला आ रहा है, आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित है। अगर उनको सही बोला कि अगर उनको कोई परेशानी है तो पुलिस प्रशासन है वहां पे, और राज्य में भी हिंदुत्व की सरकार है और केंद्र में भी हिंदुत्व की सरकार है। फिर ऐसे मामले आना, और अगर फिर भी वहां पे देखिए 800 समझना पड़ेगा कि 3500 की आबादी है वहां पे, और जिसमें से ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और सिर्फ 125 फैमिलीज है वहां पे जो हिंदू है उसमें भी दलित है, तो दलित वहां पे कहीं ना कहीं जो दलित है वो अपने आप को इनसिक्योर तो फील कर ही रहे हैं और उनको लगता है कि उनको सुरक्षा चाहिए, और प्रशासन की नाकामी भी है। और आजकल ये ना बड़ा प्रत्युष समझने वाली बात है, आजकल लोगों को ये लगता है कि हम कोई भी धमकी दे दें, हिंदुत्व के नाम पे धमकी दे दें और कुछ भी धमकी दे दें और हम अपनी बातें मनवा लेंगे, और ये एक तरह से एजेंडा बन गया है, ये समझना पड़ेगा। जी प्रोफेसर विशाल मिश्रा, ये जो कपिल श्रीवास्तव कहना चाह रहे हैं कि इस मुद्दे को गरमाया जा रहा है, जानबूझकर के ऐसी चीजें की जा रही हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि अब 2022 का चुनाव नजदीक है इसलिए अब इस तरह की खबरें आती रहेंगी। प्रत्युष जी, ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही निंदनीय है। पहले तो मैं सबसे पहले इस प्रकार की घटनाओं की सबसे दुरूह शब्दों में निंदा करता हूँ आप, लेकिन ये बताइए कि जरा मानसिकता तो देखिए। प्रश्न ये उठता है कि यह मानसिकता कहां से निकल कर आई? कहने को तो शांति के लोग कह दिया जाता है, लेकिन आप ये बताइए कि अगर वहां पर जैसा कि न्यूज में आ रहा है, बारात आ रही है और बारात में बाजा बजाने को लेकर जो है ये डिस्प्यूट हो रहा है, और अल्टीमेटली जो 125 घर के लोग हैं उनमें से कुछ लोग अपना घर छोड़ने को, पलायन को मजबूर होते हैं, प्रश्न उठता है कि ये परिस्थितियां बनी थी, ये परिस्थितियां इसलिए बनी है प्रत्युष जी कि ये तुष्टिकरण की जो नीति हमारे यहाँ पालन की जाती रही पिछले सालों में दशकों में, ये उसी का परिणाम है। आप 2016 की बात, 2016 में किसकी सरकार थी जी? बैठे होंगे मतलब हमारे समाजवादी पार्टी के नेता जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि तब क्या हुआ था? देखिए ऐसा है कि ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं होता है। तो ये चार सालों में वो तुष्टिकरण की नीति और वो सारी चीजें जो चली आ रही थी वो तो खत्म हो जानी चाहिए थी विशाल जी। देखिए प्रत्युष जी, खत्म हो जानी थी, और ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है यहाँ पर बिल्कुल नहीं चलेगा, लेकिन जो मानसिकता आपने पिछले 70 सालों में बोली है, जो आपने बीज डाला है, वो अंकुरित तो बड़ा पेड़ बन चुका है ना। ऐसे लोगों को, चलिए राहुल लाल जी, मुझे मालूम है आप हमारा अपना अब हमारा मेरा सवाल अभी आपसे नहीं था, लेकिन राहुल लाल जी पहले शुरू हो जाते, मैं आऊंगा राहुल लाल जी आपके पास। मैं रमन का एक बार फिर से रुक करूंगा क्योंकि वहां पर कई सारे गांव वाले हैं। रमन जरा वहां पर बताइए, पूछिए उनसे, गांव वालों से, कि ये समस्या कितनी पुरानी है और पुलिस प्रशासन ने अब तक क्या किया? बिल्कुल हाँ, देखिए बिल्कुल प्रत्युष, लगातार ही सुबह से मैं गांव वाले लोगों से बात कर रहा हूँ और निकल कर ये आ रहा है कि पिछले 10-12 साल से कुछ इसी तरह की समस्याएं चलती गई। जिस तरह से जो आबादी का संतुलन था, जैसे जैसे वो बदलता गया वैसे वैसे इनकी परेशानियां भी बदलती गई। बाबा कब से ये सब दिक्कत परेशानी शुरू हुई आप लोगों को? ये कम से कम 5-6 साल हो गए जी, इसी तरह की घटनाएं गुजरती गई, सम्भ्रांत लोग फैसला करते चले गए, हम लोग मानते चले गए, जैसे मतलब उस समुदाय के भी, इस समुदाय के, उस समुदाय के सम्भ्रांत लोग थे, अन्यथा औरों के भी और जाति विशेष से सम्भ्रांत लोग थे, वो हमें समझाते, हम मान जाते थे
फिर ये उसी प्रवृत्ति को दोहराते रहे हैं, बार बार दोहराते रहे हैं। हर बारात में एक दो बारात छोड़ करके फिर झगड़ा कर देना, फिर मारना पीटना, लास्ट में आकर के ये हुआ वो हमारी बहन बेटी की सगाई में भी दिक्कत आने लगी। वो लोग कहते हैं कि तुम्हारा गांव तो ज़्यादा दबाव में है वहाँ, तो हम तुम्हारी बहन बेटी की सगाई नहीं लेंगे। ये चैलेंज अभी 26 तारीख में जो झगड़ा हुआ उन्होंने साफ मना कर दिया, अब इसके बाद में हम तुम्हारी बहन बेटी की शादी अब नहीं लेंगे। इसका सामाजिक असर इतना दिख रहा है कि अब गाँव में शादियाँ होनी बंद हो जाएंगी। ये कहा था बारात में, उन्होंने कहा हम यहाँ से ना करके हम और से शादी करेंगे लेकिन तुम्हारे गाँव से नहीं करेंगे। फिर आखिर हमने यही सोचा कि यहाँ तो रहना ही बेकार है। अच्छा ये बाबा, ये भी कहा जा रहा है कि भाई आप पुलिस प्रशासन के पास नहीं गए, लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया इस गांव के कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, इन्हें लग रहा है कि चुनाव आने वाले तो राजनीति कर रहे हैं। ये आपका दर्द बताइए उन लोगों को जो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। देखिए यहाँ कोई राजनीति नहीं है, जो कुछ टप्पल के जो लोग हैं जो चेयरमैन की इच्छा के हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे कि हमारी यहाँ वोट कम है, हमारी बात को उनके उनके पास हमने रखा तो वो चुप्पी साथ जाते हैं, चुप्पी साथ जाते हैं। क्यों के साथ जाते हैं चुप्पी, हमारा साथ क्यों नहीं, हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे थे वो? इसका कारण है इनकी 1500 वोट है, हमारी 400 वोट हैं। अब जीने के लिए भी वोट का इस्तेमाल, मतलब वोट बन गया आदमी। यहाँ आपका तो पुश्तैनी गाँव है ना, पुश्तैनी आप लोग बाप दादा के घर कैसे छोड़ के जाएंगे यहाँ से? तो अब हमारे सामने यही मजबूरी है कि हमारी बहन बेटी की शादी नहीं लेंगे, क्यों ये लोग बार बार झगड़ा करते हैं हमारे साथ में। ये सिर्फ शादियों के वक्त होता है, बारात के वक्त होता है या फिर और भी? हाँ बीच में भी होता है, बीच में भी होता है। एक बार ऐसा हुआ है कि खामों को झगड़ा नहीं विवाद नहीं, चाकू मार दिया, वो तो घर छोड़कर चला ही गया यहाँ से, भंवर सिंह नाम का, मैं परिवार के चला गया, पूरा परिवार छोड़कर चला गया, परिवार छोड़कर चला गया। आपके यहाँ तो शादी थी बाबा, तो अभी ससुराल में बेटी की शादी थी जी। क्या कह रहे हैं बाराती लोग? बाराती लोग ये कह रहे थे आप हमने जो ले लिया वो ले लिया, अपनी जो बेटी आई है इनको रखेंगे अच्छी तरह से, उसके आगे हम रिश्ता नहीं लेंगे यहाँ से कोई भी, कि आपके यहाँ के लोग तो दबे हुए हैं, दबाव में आते हैं, ये लोग आपको कभी मार पीटते हैं, हमारे यहाँ से जो लोग जाएंगे इनके साथ फिर भी बदतमीजी करेंगे, जो आपका कुछ चलता ही नहीं है। अच्छा ये जो अभी दूसरी तरफ से ये बताया जा रहा है कि जब मस्जिद के सामने से बारात निकली तो शोर हो रहा था, कितने बजे बारात निकली ये मुझे बताइए, और क्या इसी बात को लेकर हंगामा? सर 3:30 बजे करीब बारात निकल रही थी, मस्जिद से पहले ही उन्होंने डीजे बंद करा दिया और उस पर हमला करने लगे। ना उन्होंने दिन का वक्त था, ना कोई बहुत दिन का वक्त था, ना उस समय कोई नमाज का टाइम था, ना किसी भजन का, ना किसी का भी वक्त नहीं था। 3:30 बजे का टाइम होता है, उस समय कुछ नहीं था वहाँ पे, बारात लेके उन्होंने एकदम से अटैक कर दिया, कहे इसको बंद करो, ढेड़ा हो यहाँ से, बारात ले जा रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रही मस्जिद है यहाँ पे? हम बोले भाई हम बंद करके ले जाएंगे, हमको निकल तो जाने दो। इतने उन्होंने सुना ही नहीं, उन्होंने तो लाठी डंडे बरसाने चालू कर दिए हमारे ऊपर। और ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा नहीं, कई बार हुआ है ये। चलिए कुछ लोग और भी यहाँ पे हैं बाबा, ये क्या सिर्फ बारात को ही लेके होता है ये हंगामा, या और भी कुछ तरह की दिक्कतें हो रही है? नहीं सब चीज की दिक्कत है हमारे यहाँ। बात ऐसी है जो किसान लोग हैं वो तो अपने खेत में से चारा ले आते हैं, और जो मजदूर किसान हैं, मजदूर पार्टी जो है वो इनके खेतन पे या मेड़ पे जाती हैं, हमारी बहन बेटी घास फूस काटने के लिए उनसे ये बोलते हैं, ओए ढेड़नी, ए चुमारी, जाएगी ना कहीं आते लेकर आते उल्लू पट्टी कौन ने बुलाई। और फिर दूसरी बात ये है बाबूजी, ये लोग ये चाहते हैं एक पाकिस्तान तो है ही है ना, मगर दूसरा पाकिस्तान भी हम हिंदुस्तान में बनाना चाह रहे हैं, इन लोगों की यही कहने हैं। आप पे दबाव डाला जा रहा है किसी तरह का? पूरी तरह दबाव है जी हमारे ऊपर, ना हमारे बच्चे ने जिंदा रहे, ना हमें जिंदा रहे, दिन को रात को तो रात को। कितने कितने परिवार हैं, कितने लोग हैं यहाँ आपके हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय? ये जी 100 सवा से घर हैं। अच्छा 100 सवा से ज़्यादा ना, इतनी ही जो इनने बोले कई नेता जिनने इन्नी बोली उतनी मैं बता रहा हूँ। लेकिन बात यही है इनके बस्ती ज़्यादा है हमारी कम है, इसलिए हमें दबना पड़ता है। हमारे ऊपर और किसी ऊपर भाइयों का, किसी गांव वालों का कोई वो नहीं है, हम तो बर्दाश्त करते आ रहे हैं। अब बताओ हम कब तक बर्दाश्त करें, हमारी बहन बेटी भी जाएंगी, हमारे शादीशुदा मंगे लड़का ने तो हम अपने घर रख लेंगे, लेकिन बहन बेटी को हम कहाँ तक रखेंगे? प्रत्युष चेहरा देखिए, मैं दिखाना चाहूँ उनके चेहरे से आपको कहीं झूठ नजर आ रहा है? हम अब देखिए उनके चेहरे से कहीं लग रहा है वो झूठ कह रहे हैं? ये दर्द है,
क्योंकि समुदाय कम है, वोट बैंक कम है, तो जो बड़े नेता है वो भी नहीं सुन रहे हैं। अब इस ये चेहरा झूठ नहीं बोल रहा है, तो ये रोज की परेशानी है, रोज की परेशानी है। हमारे लोग भाई बच्चे इनके मोहल्ले में रात को नहीं डोलेंगे, और मोम धर्म रात को कर्फ्यू लग जाता है, रात को इनके कर्फ्यू लगा देते हैं, और दिन में हमारे मोहल्ले में मोम धरन में थे, बहुत बच्चे इधर बेधर को टोलते हैं, लाठी भी लेकर टोलते हैं, वैसे भी डोलते हैं, मोटरसाइकिल से भी डोलते हैं सब। हमको जीना धक्कार कर रखा है इन्होंने, अब बताओ क्या करें। हम किसके सहारे से जी रहे हैं? हम तुम्हारे सहारे से जी रहे हैं, बताओ हम बच्चे ने लेकर कहाँ जाएं, या खादर में पढ़ें, या कहीं जंगल में पढ़ें, कहाँ पढ़ें बताओ। ये देखिए, ये झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, इनकी लगातार परेशानी बाबा बढ़ती जा रही है। तो सिर्फ शादी नहीं, मतलब दिन में भी रात में भी निकलना मुश्किल हो रहा है घर से। हाँ जी बिल्कुल सर, मतलब ये रात को 11 बजे तक मतलब दबंगे और कह में तो हम पे चढ़ने को हमें कि भाई बालकन मत डोलंदे करो, हमारे बच्चे हमारे समुदाय के बालक थोड़े हमारे बिल्कुल जामीन आ जी, हम तो अपने इन पर कंट्रोल कर रखा है कि हमारे पढ़ले हम हमारे समाज के बालक नहीं जाए और इनके रातों पर डोले गलीन में। तो किसी तरह का कोई समझौता हुआ था कि इधर उधर नहीं जाना है, एक दूसरे के उसमें नहीं जाना? हाँ समझौता हुआ था, फिर इन लोगों ने कहा भी कि भाई हम इन पे अपने बच्चों पर नकेल कस देंगे और इस तरीके से रात के 11 बजे नहीं घूमने देंगे और ऐसी कोई बात की घटना नहीं गुजरने देंगे। फिर दो चार दिन रुक जाते हैं, फिर दोबारा से फिर वही कहानी बननी शुरू हो जाती है। जानबूझ के झगड़ा करने की कोशिशें की जा रही हैं, जानबूझ के परेशान करने की कोशिश हो रही है और क्या जी? क्या जानबूझ के ऐसा कुछ हो रहा है? इसे तो वही समझा जाने जी के जो मतलब जो सम्रांत कही है, मतलब उनके नाम भी के नाम है, वो जब अपने पे दबाव आवे तो माफी मांग ले, और जब मतलब फिर चार छह दिन पीछे आप पीछे हट जाए और बच्चा ने सहन कर दें, नो हम निपटा लेंगे, न तो मतलब कर गुजरो पीछे हम देख लेंगे, और फिर पीछे आके फिर वो मतलब वो माफी से वो कर लगे जी। तो पुलिस प्रशासन ये से शिकायत की आता है क्या? कभी कुछ बातचीत होती है? कभी भरोसा दिलाते हैं लोग कि भैया कम लोग हैं सुरक्षित? प्रशासन हाँ, पुलिस प्रशासन पहले मतलब हो गए, पुलिस प्रशासन मदद करे वैसे मदद करने को, लेकिन ये जब अपने पे आमे तो तब तो माफी मांग ले, और फिर अगावे बच्चों को कर देते हैं, और बच्चे नो कर गए, फिर बाद में मारे पीछे पुकारे जी का हो, अब वादना हम हाथ जोड़ रहे और लठ मतलब आके पीछे तक अगर हम तो हमारी टांग में ही खोपड़ी मौजूद है, लगा हुआ भी दिख रहा है, और कुछ दिन पहले की चोट है, उसी दिन की चोट है सर। अगर हमारी चलो यहाँ तो टांग थे बीती और मूड में लग जाती तो हम तो वहीं मर जाते। अब बारात को लाठी डंडों थे थोड़ी चढ़ाई जाती है, बारात में तो संभ्रांत वैसे चलते हैं, चलो भाई बारात ले चले गाँव बस्ती बारे या हिसाब से ले जा रहे हैं हमारे हिंदू समाज के, नो थोड़ी है कि हम कोई लड़ने के धेय थे, थोड़ी बारात को चढ़ा रहे थे। तो प्रत्युष आप देख सकते हैं कि दो चीजें हैं, कुछ चीजें हैं जो लोग सम्मान से करना चाहते हैं, अपने बच्चों की शादी सम्मान से करना चाहते हैं, अपने दुख सम्मान से मनाना चाहते हैं, और ऐसे में आप साफ साफ देख रहे हैं कि उनकी परेशानी क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, और ये लोग बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि जिंदगी हर दिन जीना मुश्किल हो गया है, और इसीलिए इस नए जिस घर में पेंट हुआ है, जिस घर में अभी शादी हुई है, उस घर में भी लिख दिया गया है कि ये घर बिकाऊ है। राहुल लाल जी, ये ग्राउंड से आपने रिपोर्ट देखी, जो वहां पर ग्रामीण जो बुजुर्ग हैं आपने सुना कि क्या कह रहे हैं, कितने दिनों से दिक्कत है और क्या क्या दिक्कत है, ये भी कह रहे हैं कि परिवार की बच्चियां या महिलाएं अगर खेतों में काम करने जाती हैं, अगर उनका इलाका है तो क्या क्या सुनने को मिलता है उनको। राहुल लाल जी देखिए, काफी गंभीर विषय है ये, और ये सीधे सीधे जो पूरा रिपोर्टिंग जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आप दिखा रहे हैं, ये सीधे वहां के पुलिस प्रशासन की नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार की विफलता को दिखा रहा है। जो हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जो हमारे मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो किस लिए बने हुए हैं, तो ये तो सीधे सीधे उस सरकार की विफलता को प्रदर्शित कर रहा है, इसमें कहीं से कोई एंगल नहीं। और मैं कह रहा हूँ जानबूझ के, मैं खुल के बता रहा हूँ आपको कि पुलिस क्यों नहीं एक्शन ले रही है, जानबूझ के एक्शन नहीं ले रही है कि ये मामला और अच्छे से हिंदू मुस्लिम वाला एंगल अच्छे से ले, नहीं तो वो चाहता है त्वरित तौर पर इन लोगों को न्याय मिल सकता था, इन लोगों को ऐसी कोई परेशानी होती ही नहीं। हम लोग जानते हैं कि पुलिस प्रशासन के पास कितनी ज्यादा शक्तियां होती हैं। अगर मैं आपको स्पष्ट, मैं ये भी कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में अगर एक जाति विशेष के साथ अगर ये घटना घटती, पुलिस सबका एक्शन में आ जाती, मैं नाम नहीं लूंगा उस जाति का, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश सरकार किसी एक जाति विशेष के लिए चलाई जा रही है, पूरे सभा के लिए चलाई जा रही है, मुख्यमंत्री वो सभा के हैं वो। इसलिए मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि इस प्रकार की जो घटना घट रही है, ऐसी घटनाओं को प्रशासन तुरंत रोके। और उत्तर प्रोफेसर विशाल मिश्रा, आप देखिए अब ये जाति विशेष पर आ गए राहुल लाल जी, ये कह रहे हैं कि अगर जाति विशेष पर ऐसी घटना घटती तो अब तक एक्शन ले लिया गया होता, जबकि गांव की ग्राउंड रिपोर्ट में
जो हकीकत निकल कर सामने आ रही है, वहां के लोग कह रहे हैं 10-12 सालों से ये समस्या वहां पर वो झेल रहे हैं, यानी पिछली सरकारों के समय भी ये समस्या थी, जो आज भी मौजूद है। सत्यू जी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी लोग बांटते हैं, ये जब किसी धर्म विशेष की बात आती है, सांस्कृतिक रूपों की बात आती है, तो उनका नाम क्यों नहीं लेते, ये उनकी मानसिकता को क्यों नहीं बताते। बार बार ऐसी घटनाएं घटती है, जब कभी भी कोई कुकृत्य किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य किया जाता है इस प्रकार के सांस्कृतिक रूपों के द्वारा। चलिए, हमारे साथ इस वक्त सतीश गौतम जी, अलीगढ़ के सांसद, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश गौतम जी, ये नूरपुर का जो मसला है, ये देखिए ये सियासी बहस का मुद्दा बन गया है, क्या आपके पास इसकी रिपोर्ट आई है? देखिए, इसमें एक लड़के का बिपिन लड़के का फोन आया था जी, वो जाटा समाज का लड़का है। उसके बाद तत्काल एफआईआर करवा दी गई थी टप्पल थाने में। वो बारात का मामला था, एक बारात को मुस्लिम वर्ग के लोगों ने चढ़ने से मना किया हो गया होगा। उसके बाद एफआईआर कराने के बाद वहां पर इंस्पेक्टर को भेजा गया, इंस्पेक्टर मान को, और पूरा नूरपुर में मैं भी स्वयं अभी थोड़ी देर बाद पहुंच रहा हूं, वहां पर स्वयं मैं जा रहा हूं जी। वहां पर जाटा समाज और मुस्लिम वर्ग, दो वर्ग वहां पर रहते हैं, और वहां पर केवल कुछ लोग उत्पाती हैं जो कि मुस्लिम वर्ग के हैं। उनके कारण ये थोड़ी सी घटना हुई। जो न्यूज चल रही है कि हम मकान देख रहे हैं, उसका कुछ लोगों ने उस मकानों पर लिख दिया है, लेकिन योगी जी के रहते हुए किसी भी वर्ग का, किसी भी समाज का उत्पीड़न नहीं होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, और खासकर में तो अलीगढ़ में तो होगा ही नहीं जी, अलीगढ़ में कोई। सतीश जी, हालांकि लोग कह रहे हैं कि ये समस्या काफी पुरानी है, ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली ये घटना हुई है। वो कह रहे हैं कि इस तरीके की मारपीट, झगड़ा, विवाद, फसाद पहले से होता चला आ रहा है, पुलिस प्रशासन तक को इसकी जानकारी है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभी प्रधानी के चुनाव हुए, प्रधानी के चुनाव के चलते रंजिश भी रहती है लोगों में, अब उस रंजिश को कौन सा रूप दिया जा रहा है ये मैं जाने के बाद बताऊंगा, प्रैक्टिकल देखने के बाद पूरे गांव में जी। मैं मुस्लिमों से बात करूंगा, जाटा समाज के लोगों से बात करूंगा। तो आप आज जा रहे हैं सतीश गौतम जी नूरपुर गांव? मैं स्वयं 3 बजे नूरपुर पहुंच जाऊंगा, 3 बजे करेक्ट जी। और अभी तक आपको पुलिस प्रशासन ने कुछ जानकारी दी है कि क्या कार्रवाई हुई इस पर, जिन लोगों ने वहां पर लिख लिया है कि हम अब ये गांव छोड़ने को मजबूर हो गए? देखिए, वो किसी ने उससे ईंट से जिससे पेंट से अपने मकानों पर लिख दिया है, हाँ। और टूट भी किया उन्होंने। मैंने उसके बाद उस लड़के से बात की थी, बिपिन से जी, स्वयं मैंने बात की, एफआईआर भी करवाई है मुस्लिम वर्ग के खिलाफ। कोई भी किसी को भी अलीगढ़ में घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी शासन है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और मैं अलीगढ़ का सांसद हूँ, मेरे नेचर को आप अच्छी तरह से बात भी कहोगे, कोई भी अलीगढ़ में किसी को जाने की जरूरत नहीं है। और देखिए, हमारे साथ सतीश गौतम जी, हमारे साथ जो मेहमान है समाजवादी पार्टी के, वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये दरअसल में हिंदू मुस्लिमों को बांटने की कोशिश की जा रही है, अब चूंकि इलेक्शन नजदीक आ रहा है इसलिए तमाम चीजें होंगी। ये बहुत समाजवादी के जो भी पैनल पे है मुझे नहीं पता, लेकिन ये तुच्छी मानसिकता का प्रतीक देता है। ये मानसिकता हमारी नहीं है, हमारा लक्ष्य है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास। हमने देश दी तो मुस्लिम को दी, हिंदू को भी दी, मकान दिया तो हिंदू मुस्लिम को दिया, सबसे ज्यादा लाभ मुसलमान को मिला। ये नहीं है, ये मोदी का, योगी का ये काम नहीं है, ये समाजवादी काम करती है केवल मुसलमान वर्ग को खुश करने के लिए। आज तक मुस्लिम वर्ग के लिए भी कुछ नहीं किया इन्होंने। भाजपा का एक लक्ष्य है सबका साथ, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो आपके खुद तुच्छेपन की निशानी है। जिस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं एक एक सांसद और विधायक एक पर बैठ के एक दूसरे पर निजी टीका टिप्पणी ना करें, आपको क्या कुशोभित होता है क्या? आपने इस देश के अधिकार की रक्षा नहीं की है। अगर विश्वास पैदा हो रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ने इस तरह की कोई कोशिश नहीं की, बल्कि दो भार करने की कोशिश की है। जिस दलित वर्ग को आज आप अपने हिंदू का कर रहे हैं, उसी दलित वर्ग पर जब सवाल समाज के लोग दबंगई करते हैं, उसकी धारा नहीं कर ले देते हैं, उसको घोड़ा नहीं कर ले देते हैं, इसी उत्तर प्रदेश के अंदर इसी योगी सरकार के बीच में आया तब आप कहा कह रहे थे, और आप इसको कई बड़ी मानसिकता कहा कह रही थी, ये आपको जवाब देना पड़ेगा गौतम जी। आप अपने इस बात से कहते
ऐसे किनारे नहीं हट सकते कि आज मेरे साथ नहीं बात हो रहा। हमारी और समाज के भी चीज आपकी सेवा करने के लिए आप केवल चैनल पर बैठकर बोलते हैं, सच्चाई ग्राउंड की सच्चाई नहीं पता आपको। मैं ग्राउंड की सच्चाई बताता हूँ, 24 घंटे क्षेत्र में रहता हूँ और क्षेत्र में रहता हूँ, क्षेत्र में सोता हूँ, ग्राउंड में प्रवास करता हूँ। हिंदुवादी सरकार और उस समय कहा कि यह हिंदुवादी सरकार जो 2000 से ज्यादा 100 हिंदुओं के जो गंगा नदी में बह रहे थे और उनको कुत्ते नोच रहे थे, उस समय कहा कि योगी की हिंदुवादी सरकार। ये फालतू की बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसी फालतू बातें सुनने का आदि नहीं हूँ। सतीश गौतम जी, आपने कहा कि आप 3 बजे आज खुद इस गांव में जा रहे हैं, वहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे, दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करेंगे, तो क्या हम ये माने कि जो इतने सालों से यहां पर समस्या विवाद झगड़ा चला रहा है वो अब शांत होगा, खत्म होगा? सतीश गौतम जी, दोनों पक्षों को बुलाकर मैं पंचायत करूंगा, दोनों पक्षों से मिलूंगा, इसका समाधान करूंगा। 3 बजे के बाद शाम को आप जाएंगे, पता करेंगे, तो शांति रहेगी गांव में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश गौतम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम हमारे साथ जुड़े थे, कह रहे हैं कि खुद ये जा रहे हैं 3 बजे और उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना की जानकारी उनको मिली है और इस पर वो नजर बनाए हुए हैं। अबर कपिश श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं, राहुल लाल हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर विशाल मिश्रा बने हुए हैं, सुप्रिया सत्यम हमारे साथ बनी हुई है। मैं रमन आपके पास आ रहा हूं, देखिए अभी वहां के जो सांसद अलीगढ़ के सतीश गौतम वो हमारे साथ जुड़े थे, वो कह रहे हैं कि 3 बजे वो गांव खुद पहुंचने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जिसने इस घर पर लिखा है, जिस शख्स ने, उस विपिन से, उस लड़के से उनकी बात भी हुई है, उन्होंने कहा कि वो दोनों पक्षों को समझाएंगे और इस मसले का हल निकालेंगे। वो कह रहे हैं कि ये सरकार सभी की है और किसी को यहां पर हक नहीं है कि किसी को डराए धमकाए, और किसी को जरूरत नहीं है कि वह मजबूर होकर पलायन करे। रमन, हाँ देखिए बिल्कुल प्रत्युष, बहुत अच्छी बात है, सांसद साहब यहाँ पहुंचने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ एक घर पे नहीं लिखा गया था, ये लगभग यहाँ के गांव के हर घर पर ये सारी चीजें लिखी गई थी, हर गांव के घर पर ये इबारत लिखी गई थी। हालांकि अब पुलिस, सुबह जब मैं यहाँ पहुंचा था तो पुलिस यहाँ आई थी और उसने वो पूरी की पूरी दीवार में जो है नीले रंग के पेंट से उसे ढक दिया था, और ये तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखाया हुआ, पूरा घर के देख सकते हैं आप, हर घर में ये सब लिखा गया था, हर घर में कहा गया था कि यहाँ पर वो गांव छोड़कर, घर छोड़कर जाना चाहते हैं, लेकिन अब हालात ये हैं कि वहां पर नीले रंग से पेंट कर दिया गया है। अच्छी बात है कि अब सांसद साहब यहाँ आएंगे और हल मिलेंगे, क्योंकि यहाँ लोगों को भरोसा दिलवाने की जरूरत है कि अब इस तरह की चीजें नहीं होंगी, इस तरह से वो अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे के पूरे डर का एक सामाजिक असर देखने को मिल रहा है कि अब जो दूसरे गांव के लोग हैं वो कहते हैं कि भैया इस गांव में शादी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ शादी में, बारात में हमला हो जाता है, यहाँ रिश्तेदारी मुश्किल है, तो जो सामाजिक असर है वो दिखने लगे हैं। सांसद साहब आ रहे हैं 3 बजे आपके गांव में, ठीक है साहब, आ रहे हैं, जाने दो उनको, वो कह रहे हैं बातचीत होगी, आपका हल निकलेगा कुछ, तो हल होना चाहिए, हमें न्याय मिल जाए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए हमें, तो अब ये डर खत्म होगा अगर आते हैं। हाँ। अब आप नहीं जाएंगे, अपने घरों में ही रहेंगे? हाँ, घरों में रहेंगे अगर हमको न्याय मिलेगा तो, अगर हमारे साथ में हमारी कार्रवाई नहीं हुई आगे, नहीं कोई इनकी कोई इन पे अंकुश नहीं लगा, तो हमें जाना पड़ेगा, फिर आ जाएंगे, अगर उनको मानते हैं वो लोग तो सही है। भरोसा है फिर अभी आपको सरकार पे? हाँ, सरकार पे भरोसा है, सरकार न्याय दिलाएगी, हमें भरोसा है इस चीज़ का। तो बिल्कुल प्रत्युष, सरकार ने पेंट तो यहाँ पर कर दिया है, लेकिन उम्मीद ये है कि जब सांसद महोदय आए तो दोनों ही पक्षों से बात करें, और भरोसा इनको इस बात से चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमेशा पिछली बार की तरह बातचीत होती है, सब लोग मानते हैं और उसके बाद बात कम हो जाती है। बाबा, सांसद साहब आ रहे हैं, उनका कहना है कि इस बार पूरा भरोसा दे के जाएंगे, तो यकीन है अभी आपको? यकीन है जी, यकीन है हमें, पूरा यकीन है, बताओ और क्या कहना चाहिए। वो आएंगे, उन्होंने कहा 3 बजे दोनों पक्षों से बातचीत होगी, तो फिर कोई हल निकलेगा। बिल्कुल कहेंगे जी, बिल्कुल कहेंगे। तो अब आपको है कि भैया जाना नहीं पड़ेगा गांव छोड़ के? अगर जो तुम्हारी यही सलाह है तो ना जाएंगे साहब। नहीं, हम तो चाहते हैं कि आप अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, लेकिन वो डर खत्म होगा कि नहीं आपके अंदर का? हो जाएगा जी, हो जाएगा, डर खत्म हो जाएगा। जब वो लोग एक पाकिस्तान वहाँ हैं और एक पाकिस्तान यहाँ बनाना चाह रहे हैं, और हम और साहब लोग कहाँ जाएंगे बताओ, इनके तो यही कहने हैं, और हम उनके सामने भी कह सकते हैं, ऐसी कोई बात ना, दबाव तो हम पर पूरा है, लेकिन हम कह सकते हैं, मरना मंजूर है लेकिन हटना मंजूर नहीं है। मैं इन बच्चे कहाँ लेके जाऊँगा बताइए, परिवार आपका भी है, परिवार हमारा भी है, परिवार औरों का भी, ये तो मतलब पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान बन जाएगा, हम और तुम और सब जनता कहाँ जाएगी? हम तो
कुएं में गिर गए ना। तो चलिए हल निकलेगा तो हल निकलेगा तो सही रहेगा, मेरा यही कहना है। चले रमन, मैं आपके पास लौटूंगा। प्रोफेसर विशाल मिश्रा, देखिए गांव में, गांव देहात में, कस्बों में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन यहां पर जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, और डर के साथ साथ एक नाराजगी भी है, और जो ये कह रहे हैं कि हम भाई पलायन कर जाएंगे अगर मसले का हल नहीं निकला। देखिए अभी हमने सांसद से बात की वहां के, वो कह रहे हैं 3 बजे हम जा रहे हैं, वहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। सवाल ये कि 10-12 सालों से ये मसला चला रहा है, आज तक ये सुलझा क्यों नहीं? नहीं देखिए प्रत्युष जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, ये जब मामला इतना पुराना है तो आज तक ये ऐसा क्यों बना हुआ है। तो यहाँ पर ये भी तो देखना पड़ेगा कि अभी जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके पहले किसकी सरकार थी, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चीजों की जड़ें वहां तक जाती है। और ये बात मैं आपको पूरे विश्वास के साथ दिला सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी की सरकार योगी आदित्यनाथ जी की, वहां पर ऐसी किसी भी प्रकार की घटना को होने के लिए इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ दंगाइयों के पोस्टर लगते हैं, उत्तर प्रदेश है, यहाँ माफियाओं के घर गिरते हैं, बुलडोजर चल रहा है, उनकी जगह या तो जेल के पीछे है और या फिर उन्होंने जो है माफियागिरी छोड़ दी है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि किस प्रकार की अगर कोई घटना हुई है और संज्ञान में आया है तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी कहना चाहूंगा की मानसिकता है, मानसिकता ये दर्शाती है कहीं ना कहीं कि किस प्रकार के लोग धर्म के नाम पर किस तरीके से चीजों को लेकर आगे कैरी ऑन करते हैं और एक विशेष धर्म को अपने आप का प्रमुख स्थापित करना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इस प्रकार की किसी भी प्रकार की घटना की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहाँ पर सबको बराबरी से रहने का हक है, सभी धर्मों के अपने अपने मानने वालों को बराबर का अधिकार है, और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की संकल्पना को लेकर चलती है, तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती। यहाँ पर जो बैठ कर बता रहे हैं कि ये विशेष धर्म, ये किसी विशेष जाति और ये जो है हिंदू मुस्लिम कराने का भारतीय जनता पार्टी का इस प्रकार का ही सबूका है, इन लोगों से मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार का कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे शब्दकोश में स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी टोटलिटी में विश्वास करती है, सबको लेकर साथ चलने की बात करती है, टिकट की राजनीति नहीं करती। ये आप लोगों ने जो टिकट को पाला पोता पुस्तक पर लगित किया 70-72 सालों में, आज उसी चले। मैं एक बार फिर से रमन का रुख करूंगा। रमन, आज दोनों पक्षों को बैठाकर, जैसा कि सांसद ने कहा कि हम दोनों पक्षों को बैठाकर यहां समझाएंगे और आज लग रहा है कि इस मसले का हल निकल जाएगा, उनके अंदर से डर दहशत खत्म होगी क्योंकि सांसद साहब आएंगे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में, वहां पर दोनों पक्षों को समझाया जाएगा, डर दहशत सब खत्म हो जाएगी? देखिए प्रत्युष, लगातार इन लोगों का यहाँ पर कहना है कि इस तरह की बातचीत लगातार होती रही है, ऐसा नहीं है कि इस तरह की जो बैठक है वो पहले नहीं हुई है। पहले भी उन्होंने कहा है, जैसे कि बाबा थे, उन्होंने कहा कि पहले भी सम्राट लोग आपस में बैठे हैं, लेकिन फिर डाके तीन बात वही बात हो जाती है, फिर जैसे ही वक्त गुजरता है फिर से वही सारी चीजें शुरू हो जाती है। और उनका यह भी कहना है कि जब बारात निकली है मस्जिद के सामने तो दिन का वक्त था, ना कि नमाज चल रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मंदिर या मस्जिद के पास से बारात निकलना, डीजे के साथ निकलना, ये कब से गुनाह हो गया, ये कब से बर्दाश्त के बाहर हो गया? तो ये सारी दिक्कतें इन लोगों की, उनको लगता है कि ये सारे के सारे हल निकलने चाहिए। सांसद साहब कह रहे हैं कि वो आएंगे 3 बजे और भरोसा दिलाएंगे। सांसद जी से बात हुई, आपका नाम विपिन है? हाँ, विपिन नाम है मेरा। मेरे सांसद जी से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हम 3 बजे आएंगे और न्याय का भरोसा, वो कह रहे हैं कि तुमको न्याय मिलेगा, क्योंकि मोमडन लोगों का जो उत्पीड़न है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था हिंदुओं के विरुद्ध। पिछले 5-6 साल से इन लोगों ने अपना ज्यादा ही दबदबा चाहते हैं ये लोग, और इन्होंने कुछ मुस्लिमों को, कुछ हिंदू परिवारों को अपना मतलब एक थोड़ा अपना दे के कि विश्वास दिला के एक हिंदू परिवार इन्होंने मोमडन की तरफ खींचा भी है, एक लड़का को इन्होंने अपना मोमडन भी बनाया है। धर्म परिवर्तन हुआ है? हाँ, धर्म परिवर्तन हुआ है, एक लड़के को उसकी सहमति से हुआ है, पर उसको कुछ लोभ देने के लोभ दिया है इन लोगों ने और धर्म परिवर्तन की तरफ ये ले गए अपनी तरफ। और ये यही चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति हिंदू अपना लें तो इनकी कोई बारात नहीं चढ़ेगी और यहाँ पर कोई ऐसा विवाद नहीं बनेगा, तो ये सब पूरा काम एक जैसा हो जाएगा। इसीलिए बारातों को निशाना बनाया जा रहा है? खाली ये झगड़ा तब करते हैं जब बारातों पर, जब कोई हिंदू संस्कृति अपनी से कोई रीति रिवाज से कोई काम करते हैं तभी इनका हंगामा होता नहीं। वैसे गाँव में सब लोग जीते हैं, वैसे गलियों में इनका करना, हुटिंगबाजी करना, मतलब हिंदू संस्कृति से इनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। जो ये इसका ये चाहते हैं कि हम हिंदुओं पर दबाव बनाएं और यहाँ मतलब ये बरात बरातों को जो इनका है या तो ये अपनी गलियों से निकालें, मतलब जो मेन रास्ता है गांव का, जो जिसमें मोमडन समुदाय के कुछ घर आते हैं और उनकी एक मस्जिद भी आती है, उसको लेके ये विवाद बनाते हैं। इनको ये सहमति चाहते हैं कि मस्जिद के 100 मीटर पीछे और 100 मीटर आगे यहां से आप डीजे बंद कर लीजिए और आप आराम से अपनी बरात लेके चले जाइए, ये इनका बयान रहता है। और इसमें कई नौ घटना हुई है, कई नौ बार फैसले भी हुए हैं इसमें, पर इनका कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि यहाँ पर कोई इन विवाद को रोका हो, ये विवाद को बढ़ाते ही हैं।
है और दबदबा बनाना चाहते हैं कि हिंदुओं पर हमारा दबाव बने। आज सांसद साहब आएंगे, वो कह रहे हैं कि मैं दोनों पक्षों के लोगों को फिर बैठाऊंगा, क्योंकि आप देखा होगा कि हर घर में लिखा हुआ है कि हम घर बेचना चाहते हैं। हाँ, हाँ। तो अब भरोसा जागेगा आपके दिलों में? हाँ, सांसद जी हमारी सुनेंगे और पर्सनली मेरी सांसद जी से बात हुई है और उन्होंने कहा है कि मैं 3 बजे आऊंगा और मैं बात रखूंगा। हम सांसद जी से अपनी बात रखेंगे, जो हमारी परेशानी है उनका हल निकाला जाए। हम बिल्कुल झगड़ा नहीं चाहते गाँव में, सब लोग मिलकर हैं, हम खूब चाहते हैं, पर हमें ये नहीं होगा कि मुस्लिम लोगों के कहे से हम अपनी संस्कृति को कुछ बुलाया जाए, हिंदू धर्म की कोई हम अपनी संस्कृति पर ठेस पहुंचाए, ये हम होने नहीं देंगे। क्योंकि जो समस्या थी पहले, समस्या का निपटारा हो गया, समाज की बात खूब रखी है, उसके बावजूद भी वहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनको कहने पे भी हमने कुछ बातें रखी हैं, फिर भी कोई इसका निष्कासन नहीं हुआ। 18 मई को पहले घटना हुई है, फिर 22 तारीख को बारात चढ़ी तो उनको बैंड से चढ़ी थी, वो बैंड को पीछे रोक दिया था, फिर आगे चला लिया था, उसमें कोई इतना विवाद नहीं हुआ था, उन्होंने वीडियो क्लिप भी बनाई थी उसकी। उसके बाद 26 तारीख को घटना होती है, जब कोई मस्जिद का टाइम नहीं था, 3:30 बजे के करीबन ये घटना होती है, नहीं तो कोई नमाज पढ़ी जा रही थी, ना ही कोई ऐसा मुस्लिम समुदाय का ऐसा कोई धर्म वहाँ पर चल नहीं कि को उनका पूजा पाठ या कोई कैसी भी उनका जो भी होता है, आज भी चल रही है तो बारात निकलने में क्या परेशानी है? पहली बात तो ऐसा कोई कानून कहता नहीं है कि मंदिर के सामने बेस मत चलाओ, कि मस्जिद के सामने मत चलाओ, ये तो स्वतंत्र है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी संस्कृति, हम अपनी पूजा करेंगे, उनकी संस्कृति है, वो अपना कुछ भी करें, ये उनको देखना चाहिए। और इसमें है कि हम सांसद जी से यही गुहार करेंगे, माननीय योगी जी से यही गुहार करेंगे कि हमको न्याय मिलना चाहिए, इसका दबाव कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि हम लोग आबादी में भी नहीं है और जो भी हिंदू समाज के लोग हैं वो सारे ही गवर्नमेंट लोग हैं, ऐसा कोई परिवार नहीं है उसमें कि गवर्नमेंट लोग नहीं है कि वो झगड़ा कर लेंगे कि पढ़े लिखे नहीं है। मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा है और हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या बहुत कम है कि हम उनका डंडे से भी कोई सामना। पुलिस प्रशासन, अभी मैंने सुबह देखा कि जहाँ जहाँ लिखा होता सब जगह नीले रंग से पेंट कर दिया उन्होंने, पुलिस ने अपने कहने पर यह कराया कि उन्होंने यहाँ पर पोत दिया, हमने पुलिस को मना भी किया पर उन्होंने कह दिया कि हमने मुकदमा कर दिया, हम इसको पोत रहे, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर जो भी किया है वो खुद जाने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। पर हमारी ये समस्या है, हमने ये खुद अपना स्टेटमेंट हमने खुद दिया है, जितने भी जिसके घर पर ये चीज़ लिखा हुआ है उसने अपनी सहमति से लिखा है और उसने खुद लिखा है, इसमें किसी का कोई प्रेशर नहीं है कि हिंदुओं ने प्रेशर में बना के ये सब चीज़ लिख दिया। मतलब ये मैं आपसे जानता हूँ कि जितने भी हिंदू परिवार हैं उन्होंने बिना किसी दबाव में, बिना किसी बात के अपना दर्द दीवारों पे लिखा है। हिंदू जो जितने भी यहाँ पर परिवार हैं, 100 से 125 की जितनी भी गिनती में घर हैं, ज़्यादातर 95% लोगों ने अपनी सहमति से अपने आप यहाँ अपने घरों पर लिखा है, अपना दुख जाहिर किया है, क्योंकि ये 26 तारीख की घटना थी और 26 तारीख की घटना में इनको ऐसा लगा कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, मोहम्मदन लोगों का दबाव बनना था, गलियों में निकलना इनका दुश्वार हो रहा था, तो लोगों ने अपनी मतलब पीड़ित खुद अपना दुख जाहिर किया है कि हम घर बेच के जा रहे हैं, गांव को छोड़ना चाहते हैं, और क्या कर सकते हैं, प्रशासन सुनेगा नहीं, मुस्लिम समुदाय परेशान करेगा तो लोग क्या करेंगे, जहां 80% और 20% की आबादी होगी वो डंडे से तो लड़ नहीं सकते, और डंडे से हमारी अगर बराबर भी आबादी होती तब भी हम नहीं लड़ सकते, हम कानून का सहारा लेंगे और हम गुहार करते हैं योगी जी। रमन, वहां पर पुलिस ने मामला तो दर्ज किया है कुछ लोगों के खिलाफ, जिसमें कई लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं, बकायदा नेम्ड एफआईआर हुई है। हम कोई वो नहीं चाहते कि फालतू का विवाद नहीं चाहते कि हमें यहां विवाद हो। विपिन भाई, ये कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, उनको खिलाफ जो नामजद एफआईआर दर्ज हुई है, तो उससे संतुष्टि नहीं है? देखो, जो पुलिस ने, प्रशासन ने जो कानूनी कार्रवाई की है उससे हम संतुष्ट हैं, और ये कि हमें अपना ये डर है कि कुछ लोगों के सुनने में हमने ये स्टेटमेंट कुछ जैसे कि कुछ पत्रकारों द्वारा पेपर में छापा गया है कि हिंदू समुदाय के लोगों पर भी कुछ मुकदमे हो रहे हैं, तो हमें वो मुकदमे शासन को वापस लेने पड़ेंगे। हम इस बात को सांसद जी से भी कहेंगे कि हम हिंदुओं की कोई कमी नहीं है, अगर हिंदुओं की कमी है तो उन पर मुकदमा हो, हिंदुओं की कोई कमी नहीं। उनकी बारात चढ़ी थी, कोविड की वाली बात है, उनकी 2 बराती और उनकी बेटी का ऐसा हुआ था कि इनका संबंध में कोई अड़चन आई थी, पहले कहीं तय कर दिया था, 2 दिन की ये शादी थी, इन्होंने का मतलब आपसी संबंध में कोई बात बिगड़ गई थी और 2 दिन में शादी हुई थी, उसके बाद वो परमिशन लेने में असमर्थ रहे थे, उसके बावजूद उनकी 2 बारात में 30 से 40 लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे, उन्होंने कोविड के नियमों को पालन करते हुए एक साधारण डोला वहां से निकाला था। ये कि गांव में बारात आती है लोग तो इकट्ठे होते हैं, जब विवाद हुआ था लोग और ज्यादा वहां पर इकट्ठे हो गए, ऐसा कोई नहीं है कि कोविड के नियमों की धज्जी उड़ा दी गई हो, कि वहां पर कोई अभद्र भाषा की हो, कोई मस्जिद पर चढ़ा हो, ऐसा कोई नहीं है हिंदू की तरफ सिस्टम। और हमारे जो भी मुकदमे हिंदुओं पर अगर लगे हैं, हमको इसकी कंफर्मेशन लिखित में नहीं है, हम पत्र पेपर के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि पेपर के माध्यम से ये बात हुई है, पता चला आपको, मतलब पता चला है हमको, कोई लिखित में ऐसी कोई बात नहीं है, पर हम ये कहते हैं हम पर अगर कोई मुकदमा है तो हम वो मुकदमा वापस चाहते हैं अपना। रमन, वहां पर चूंकि कई सारे लोग हैं, जरा उनसे पूछिए, देखिए गांव का जो परिवेश होता है, ठीक है मामूली विवाद झगड़े चलते रहते हैं लेकिन फिर भी वो एक होकर रहते हैं, कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई एक शख्स ऐसा हो, व्यक्ति ऐसा हो जो जानबूझ करके ये सारी चीजें करवाता हो, बरगलाता हो, लोगों को बहकाता हो कि जानबूझ करके यहाँ पर झगड़ा विवाद फसाद हो?
बिल्कुल 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 यहाँ पर काफी अच्छा अच्छा बाबा ये बताइए कि कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है कि कुछ उपद्रवी लोग हैं जो कि यहाँ की माहौल खराब करना चाहते हैं, बाकी ज्यादातर लोग अच्छे हैं लेकिन कुछ को परेशानी है कि... लोगों में? नहीं नहीं, मुस्लिम हिंदू दोनों ही समुदायों में। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं। नूरपुर गाँव में कुछ महिलाओं के साथ हमारी सहयोगी हर्षा इस वक्त वहाँ पर जुड़ चुकी है। हर्षा जरा पूछिए महिलाओं से क्या दिक्कत है उनको वहाँ पर। बिल्कुल प्रत्युष, देखिए सारी महिलाएं हैं और देखिए बता रही कि यही वो गली है जहां से बारात चढ़ती थी, लेकिन अत्याचार बहुत हो रहा है। मैम आप बताइए क्या परेशानी हो रही है, क्या समस्या आ रही है? कछु नहीं समस्या, छड़न ना देते बारात के, हमें छड़न देंगे तुम्हारा की बरातन लो डंडा बजाते हैं। क्या कहते हैं जब यहाँ पे बारात निकलती है तो क्या कहते हैं, क्यों रोक नहीं देंगे हम बरातन? हाँ हाँ, चमार की बरातन ना छड़न देंगे हम। हर्षा 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 हर्षा, मैं रोकना चाहूंगा चूंकि चूंकि जी हिंदुस्तान एक जिम्मेदार चैनल है और हम अपनी मर्यादाओं का पूरा ख्याल रखते हैं। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर्षा वहां पर जरा ग्रामीणों को समझाइए कि जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना करें, जो बात है परेशानी वो रखे लेकिन जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल बिल्कुल देखिए मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ किसी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल मत करिए आप लोग। हम जानते हैं कि आप सब हिंदू परिवार से हैं, हम जानते हैं कि एक वर्ग विशेष की परेशानी हो रही है, लेकिन जाति संबंधी शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। जो परेशानी हो रही है मैम बस वही बताइए अच्छे शब्दों में। हाँ वही परेशानी बता रहे हैं हम, ये जो का हमारी बारात को आती है तो छतों पर चढ़ जाते हैं, ईंट को बरसाते हैं और गाली बकते हैं। और काकम पांच बारात चढ़ी हमारी नंदों की आई थी और उन्होंने काकम बारात नहीं चढ़न दी, 25 तारीख के लिए आई थी बारात 25 तारीख को। तो जब निकली उससे पहले कोई अनाउंसमेंट किया गया था कि यहाँ से बारात मत निकालिए या फिर कुछ आपत्ति जताई गई थी इससे पहले, उसके बाद आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया, आप लोगों ने क्या किया? जी देखो हमने तो कुछ नहीं किया था, मतलब हम तो खूब उन्हें हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे देखो आप जो अपनी जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए और जो हमारा काम हो रहा वो होने दिए कि नहीं हम आपकी बारात नहीं चढ़ने देंगे और आप हमारी मेहजत आ रही है। हमने बोला जो तुम्हारे जो तुम पूजा का पत्री कर रही हो वो तुम करते रहे ना, हमारा क्या कनेक्शन है आपके बारे में? नहीं जब भी नहीं चलाने देते, बारात भी नहीं आने देते, कुछ भी नहीं आने देते, नहीं बारात को आने देते और नहीं डीजे चलाने देते, डीजे को वहीं बंद कर देते हैं और ईंट और पत्थर बरसाने लगते हैं। आप क्या बता रही थी अम्मा? हाँ जय बात है कह रही हूँ, मैं मेहजत उल्लंघ गई, मेहजत के पास में बारात आई और मैं डीजे बंद करवा देता है फिर ईंट पत्थर बजाना चालू कर देता है, बच्चन ने पीटते हैं फिर हमारे ने। ऐसा कितने समय से होता आ रहा है? अबे हुआ है जे 25 तारीख तक हुआ है जे, अभी पहले से नहीं भैया। क्या कह रही है? पहलू है वो बेटा चार बार आता था मैं, हाँ बोतेरे हाथ जोड़ ले कुरे बते बता रहा ले कह सब मत करो तुम्हारी बेटी हमारी बेटी एक है पर ना मान ले कहते हम ना चलन दे। कोई बात नहीं, हम लोग किसी जाति के बारे में बात नहीं करेंगे अम्मा। तो आप लोगों ने क्या इससे पहले भी कोई ऐसी घटना घटी है या फिर हाल फिलहाल में ऐसा हुआ? घटी है बेटा चार बार आता में है वो भी। अच्छा आप लोगों ने घर घर के आगे जो लिखा वो क्यों लिखा, किस वजह से लिखा? अपने आप ही लिखा, हमने यूं ही लिखा जब हमारी बेटी जब हमारी बेटी की बारात चढ़ने नहीं देते हैं और जंगल भरे जाए तो फिर हमारी बेटी की फिर बेइज्जती करेंगे, जब आज बारात ना चढ़न दे रहे तो फिर बेटी की बेइज्जती करेंगे, यूं लिखा हमने। हमें तो अपना बचाव करना था, हमें तो अपना बचाव करना था अपने खेतन में न्याना। तो क्या कोई डर का माहौल भी है गांव में किसी वजह से? डर का माहौल है ये बस, मारने लगते हैं हिंदुओं को, मारने लगते हैं हिंदुओं को। तो ऐसा क्या अटैक हुआ है हिंदू परिवारों पे खास तौर से? कुछ नहीं हुआ, हिंदू लोग कुछ नहीं कहते मुस्लिम थे। चाकू मारे खेत में जाके नहीं, पहले मेरे भाई के चाकू मारो और जी के वो मतलब 2007 का किस्सा है और मुकदमा भी कायम हुआ और आज तक वो आदमी गांव में लौट कर नहीं आया, उसको मेडिकल में एडमिट रहा, 2007 का रिकॉर्ड देख लिया था थाने में। तो अम्मा एक बात बताइए, क्या पलायन करने से समस्या का हल हो जाएगा? आप लोग को नहीं लगता कि कहीं पे इसकी शिकायत करनी चाहिए, गांव का माहौल दुरुस्त हो बेहतर हो? चलिए ये है अलीगढ़ के नूरपुर गांव की ग्राउंड रिपोर्ट जहां से रमन और हर्षा दोनों बता रहे हैं, वहां के ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं क्या समस्या है। और इसी डिबेट के दौरान अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम भी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने कहा कि वो आज दोपहर 3 बजे खुद जा रहे हैं नूरपुर गांव और वहां पर दोनों पक्षों से मिलकर के वो बातचीत करेंगे ताकि इसका एक ठोस समाधान निकले और ये मसला शांति से हल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 10 का दंगल में फिलहाल इतना है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले इस वक्त बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार को
बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने से इनकार किया है।